हेलो, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आ जाइए जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी वीडियो देख सकें। हम टॉपिक कल स्टार्ट कर चुके थे, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, हो सकता है हमने क्वांटम नंबर पहले ले लिया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में इस साल आए हैं उनके लिए वो टॉपिक क्वांटम नंबर वाला है ना। गुड मॉर्निंग अक्षिता जी, गुड मॉर्निंग साक्षी जी। जो क्वांटम नंबर वाला टॉपिक था वो हमने पहले कर दिया था, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बट कल की लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने सीखा था, तो अब आप जब दोनों वीडियो देखोगे तो किसी भी एटम के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ उसका क्वांटम नंबर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हमने देखे थे, ऑफ्बो प्रिंसिपल की बात की थी, उसमें आपने पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, एन प्लस एल रूल और हुंड्स रूल आपने सीखा था। तो वो सीखने के बाद एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। हल्का बहुत कल उसके बारे में बात भी की थी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा था कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा हो कि कहीं वो आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ, है ना। यानी जैसे कि जितने ऑर्बिट है, अगर सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड है ना, पूरा उसका इलेक्ट्रॉन सारे सब में दो दो भरे हुए हैं, तो उसको आप फुल फिल्ड, जबकि किसी ऑर्बिट सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसको आप कहते हो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अदर, है ना, एडजेसेंट जो एटम होंगे, एडजेसेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था, एक सपोज एग्जांपल के लिए D5 और D10, है ना। अगर D के अंदर, ज़रूरी नहीं है D, P भी हो सकता है ना, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, अगर 6 के 6 भर दिए तो फुल फिल, और हाफ फिल के लिए 3 की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो D5 और D10 में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे स्टेबिलिटी की, कोई भी ऐसा एटम जो ये D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो वो कोशिश करता है अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 5 है तो ये 5 वाला कोशिश करता है न तो अपना इलेक्ट्रॉन दूँ किसी को, न अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लूँ, क्योंकि या तो देगा तो एक कम हो जाएगा, D4 में पहुँचेगा, ले लेगा तो D6 में पहुँच जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि न लेवे किसी से, न किसी को दिया जाए, है ना। यानी D5 में इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम नहीं करते हैं। उसी तरीके से D10 सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड होंगे तो और अच्छी बात है, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे D10। तो यहाँ पर इतनी बात तो कल हम कर चुके थे, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ना, कि ये जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ जो नज़र आ रहा है, D5, है ना, D5 जो आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी किससे, जो एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन, एडजेसेंट एटम जो होंगे, जैसे कि D4 की अगर मैं बात करूं, है ना, बीच में कौन होगा, फिर D5, फिर कौन होगा, D6। तो ये जो D5 वाला है, D4 और D6 दोनों से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, है ना, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको बताएंगे कैसे ये D5 दोनों से, D4 और D6 दोनों से क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। D10 जो फुल फिल है उसको तो बिना सोचे समझे कह देना ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसको साइड में करो। हाफ फिल वाले को देखते हैं कि इधर और इधर एडजेसेंट जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है उससे ये ज़्यादा कैसे स्टेबल होगा। तो इसको हम समझते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा के बेस पर, ठीक है। फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने यहां पर, स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है ना,
पहले तो ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, एक्सचेंज एनर्जी माइनस जो पेयरिंग एनर्जी होती है, एन के इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स पाई इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये के और पाई यहां पर कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैपिटल एन मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या होता है ना, कैपिटल एन आपको ध्यान रखना है एन एन माइनस वन बाय टू, है ना। ये कैपिटल एन, कैपिटल के, पाई, के और पाई तो कांस्टेंट है, बचा एक्स और कैपिटल एन। कैपिटल एन भी मैंने आपके सामने यहां लिख दिया है एन एन माइनस वन बाय टू होता है, ठीक है। यहां पर जो स्मॉल एन आ रहा है ना, स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे पहले आपको निकालना आनी चाहिए। स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक बार निकाल दी तो फिर हम बात करेंगे कैसे ये एनर्जी इनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है। पहले निकालना सीख लेते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं क्या कह रहा है ना। इसके अंदर जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, यानी स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी जो स्पिन है, यानी स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में ये वो क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हो, तो वो है आपके नंबर ऑफ, है ना, स्मॉल एन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, ठीक है। स्मॉल एन का मीन तो यहाँ पर ये है। अभी जब निकालेंगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे D4, D5, D6 तीनों को बारी बारी से। उसके अलावा यहाँ जो x बचता है, ये x है यहाँ पर नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनपेयर्ड है, पर जैसे ही किसी एक और इलेक्ट्रॉन में उसमें बिठाओगे तो पेयरिंग होगी, तो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन उसमें कितना हुआ, एक ही तो हुआ, जिसके आ जाने के बाद पेयरिंग हुई है ना, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा पेयरिंग करेगा तो वो होते हैं नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है आपके सामने, स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी में से आप यहां पर पेयरिंग एनर्जी फॉर्मूला है इनके एन के माइनस एक्स पाई, कैपिटल एन ये होता है आपको पता होना चाहिए, स्मॉल एन और स्मॉल एक्स, केवल आपको स्मॉल और एन और स्मॉल एक्स निकालना अगर आ गया तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर एक बार आपने निकाल दी है ना, तो फिर आप क्या करोगे, तब आपको ये काम करना होगा, ये देख लेना है केवल जिस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखेगा, और जिसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको D4, D5 और D6 में क्या करना है, तीनों के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल कर देखो, जो भी एनर्जी आएगी पता लगाओ किसकी ज़्यादा है, तो हमेशा D5 की ज़्यादा निकल कर आएगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है, है ना। तो निकाल कर देखते हैं एक बार इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले D5 की बात करते हैं, फिर एडजेसेंट पर जाएंगे। तो D5 को जब आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप एक बार खोल के लिखो ओपन करके, आपको पता है D में कितने ऑर्बिट हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने कैसे करोगे, बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों आपने फिल कर दिए। अब आप यहाँ से स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, फॉर्मूला है हमारे पास एन के माइनस एक्स पाई, एन भी आप जानते हो कैपिटल एन क्या था, एन एन माइनस वन बाय टू कैपिटल के माइनस एक्स पाई, आपको केवल स्मॉल एन और स्मॉल एक्स मिल जाना चाहिए, है ना। उसके लिए आप यहाँ साइड में देखोगे, यहाँ लिख लो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एक्स क्या है। स्मॉल एन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, यानी सेम स्पिन होना चाहिए सब में। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका स्पिन सेम है, आप देखोगे पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है ना, किसी ऑर्बिट में पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज, 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 पाँचों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, है ना, स्पिन कर रहे हैं।
तो इसका मतलब स्मॉल n कितना हो जाएगा, 5। तो n की जगह आप रखोगे 5। अब x मैंने कहा था नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहीं पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है जो पेयरिंग करवा रहा है? नहीं। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। रखो यहाँ पर वैल्यू, n की जगह 5 माइनस 1 बाई 2 के माइनस 0 इंटू पाई। इसका मतलब ये आपको मिलेगा 5 माइनस 1 4, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 के यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी मिलती है, 10 के। अब यहाँ से हम D4 और D6 के लिए निकालना भी सीखेंगे और देखेंगे ये 10 के उनसे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ से हम D4 की अब बात करते हैं। D4 को आप जब देखोगे तो क्या पता लगेगा, 1 2 3 4 5, है ना, ये 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, यहाँ पर फिल कर दिए। फिल करने के बाद अब आपको फिर से स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप कैसे निकालोगे, एन के माइनस एक्स पाई, ठीक है। फिर कैपिटल एन की वैल्यू रखो, स्मॉल एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के माइनस एक्स पाई। यहाँ साइड में स्मॉल एन और एक्स लिख लो। स्मॉल एन कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका, ये तो कांस्टेंट है, जो गिवन होगी वो वहाँ पर रखनी है। आपको के की वैल्यू नहीं भी मिलेगी तो भी आप यहाँ पर इन के की फॉर्म में ही देखकर बता सकते हो, अभी दिखाएंगे आपको, है ना। के की वैल्यू तो यहाँ कांस्टेंट है, जो आपको सब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ना, मतलब एटम के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट, तो वो तो जो मिलेगी उस अकॉर्डिंग रखना होगा। बट कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना हमेशा हाफ फिल वाले का ज़्यादा ही आएगा, है ना। के की फॉर्म में आप पता लगा सकते हो, सिंपल अभी दिख जाएगा आपको। तो n यहाँ पर आपको 4 नज़र आ रहा होगा, x अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई, x अभी भी कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ रखो n की जगह 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के माइनस 0 इंटू पाई, यानी यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है 4 माइनस 1 3 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 के। अब देखो आप D5 की निकाली थी तो आपको क्या वैल्यू मिली थी, 10 के। D4 की निकाली तो 6 के, यानी 10 और 6 में से पता चल रहा है अपने आप, 6 कम है 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो D4 से तो वो ज़्यादा आ गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। संबासी वाराव, आपका नाम थोड़ा ट्रिकी है, लेने में नहीं आ रहा है, बट हेलो। यहाँ से D4 की भी आपको पता चल गई होगी, है ना। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम D6 की तरफ चलते हैं। D6 क्या है देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव और ये 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पेयरिंग हुई है D6 कॉन्फ़िगरेशन में। फिर से आपको क्या चाहिए, स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहिए। अच्छा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब कैपिटल एन के माइनस एक्स पाई, और कैपिटल एन आप लोग जानते हो एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के माइनस एक्स पाई, ठीक है। क्या डिसाइड करना है, स्मॉल एन और स्मॉल एक्स। स्मॉल n, आप देखो यहाँ से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका यहाँ पर जो स्पिन है वो सेम है। फर्स्ट देखोगे क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको तो देखना नहीं, अपन को सेम वाला देखना है। क्लॉकवाइज टोटल कितने हैं जिनका यहाँ पर स्पिन कितना है क्लॉकवाइज है, वो 5 इलेक्ट्रॉन है। n इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, 5। x मैंने कहा था नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो पेयरिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नज़र आ रहा है जिसके आने के बाद पेयरिंग हुई है ना, उससे पहले नहीं थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 5
फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू के माइनस एक्स की जगह वन इंटू पाई, यानी कि ये हो जाएगा टेन के माइनस पाई। अब आप तीनों को कंपेयर करो, है ना, तीनों मतलब डी फोर में आपने देखा सिक्स के, ठीक है, डी फाइव में देखा टेन के, ठीक है, डी सिक्स में देखा टेन के माइनस पाई, यानी कि अगर आप डी फाइव में देखोगे तो टेन के है, अगर इसको देखोगे तो टेन के में से पाई माइनस होकर आ रहा है, इसका मतलब टेन के से कम है और सिक्स के अपने आप ही टेन के से कम है, तो इसका मतलब तीनों का जब कंपेयर करोगे डी फोर डी फाइव डी सिक्स तो अपने आप डी फाइव कितना मिलेगा 10 के। स्टेबलाइजेशन एनर्जी तीनों में सबसे ज़्यादा D5 की आ रही है, इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखेगा किससे, D4 और D6 से, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप इस हाफ फील्ड वाले की क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फुल फील्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, फुल फील्ड कॉन्फिग्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था आपके वो हाफ वो प्रिंसिपल को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर अपन इस टॉपिक के साथ, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिग्रेशन से, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ तक, है ना, तो एक बार बता दो, फिर इसके बाद एक और मज़ेदार टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन ये चैप्टर आपका शायद, कल तो संडे है, मंडे को हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। एक तरीके से यहाँ बात होने वाली है अट्रैक्शन फोर्स की, है ना, समझना। आपके सामने सबसे पहले एक एटम बना रहा हूँ मैं, जिसका ये न्यूक्लियस, ये शेल, ये फिर से यहाँ पर शेल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा, यहाँ तीन टर्म आएंगी, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, फिर लास्ट में आएगा आपके सामने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक पहुंचने से पहले आपको न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानना होगा, ठीक है। वो जानने के बाद आप पता करोगे किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के साथ साथ हम यहाँ पर निकालना भी सीखेंगे। आप निकालना सीख सकते हो, आप छोटी क्लासेस में हो सकता है पढ़कर आए हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट हम यहाँ आपको निकालना भी बताएंगे, आप निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि ये आपके पास कोई शेल है n इक्वल्स टू वन, ये n इक्वल्स टू टू, ये n इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। इसके अंदर तीन शेल है, बीच में आपके ये न्यूक्लियस है। आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उन प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखोगे, सपोज मैं अगर नंबर 11 पे, जैसे सोडियम है,
तो आप देखोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब ये 11 प्रोटॉन सबके सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले यहां इनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इनमें क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे शेल्स में। तो आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो अपनी तरफ इनको क्या करेंगे, यहाँ से खींचने वाले हैं। खींचेंगे तो जिस अट्रैक्शन फोर्स से खींचा जाता है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम यहाँ क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्या, केवल सिंपल देख लेना है वो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, काउंट कर लो उसका एटॉमिक नंबर, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 यानी 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है तो वही उसका क्या रहने वाला है, न्यूक्लियर चार्ज। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, है ना। तो आपको इतना पता चलेगा यहाँ से, न्यूक्लियर चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एटम उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है मतलब उसका एटॉमिक नंबर ही उसका न्यूक्लियर चार्ज जेड बनेगा, ठीक है। ये तो हुआ जेड की बारी, है ना, कि वो खींचेंगे अट्रैक्शन फोर्स एक तरीके से, ये न्यूक्लियर चार्ज है ना। अब उसके बाद एस है ना, शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अगर आप जानोगे तो ये इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। फिर से आ जाओ इस एटम पर, आप देखोगे इधर 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है तो इन 11 प्रोटॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही क्या होना चाहिए था अट्रैक्शन। जैसे कि सपोज यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर भी 11 के बराबर फोर्स लगाने चाहिए, ये इस इलेक्ट्रॉन पर भी 11 के बराबर फोर्स लगाने चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो जब आप n इक्वल्स टू 3 में आउटर मोस्ट शेल में जाओगे तो वहाँ पर फिर से एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये 11 पॉजिटिव जो प्रोटॉन पड़े हुए वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर भी 11 के बराबर क्या लगाना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स। ऐसा नहीं होता, क्या, जो न्यूक्लियस है उसमें जितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बराबर अट्रैक्शन नहीं लगा सकते, फोर्स नहीं लगा सकते। क्यों, जैसे कि यहाँ देखोगे इन दोनों पर है ना, इसके जस्ट सामने वाले जो इलेक्ट्रॉन है शेल में जो पड़े हुए हैं उन पर तो 11 के बराबर फोर्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, खींचेगा, है ना। बट जो n इक्वल्स टू 2 के बाद पीछे की तरफ, यानी 2 के बाद यहाँ 3 पे जो पड़ा हुआ है पीछे की तरफ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व कर रहा है वो इससे एक तो दूर हो गया, दूर मतलब एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो तो फटाफट खींचने में आ जाता है, बीच में कुछ आ जाए है ना, यानी बीच में आप कुछ बैरियर ला दो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा, खींचने में नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ तो रहे हैं, एक प्रॉब्लम तो ये कर रहे हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन भी तो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिएट करेगा, और रिपेल करने के बाद ये इसको बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको और दूर भेजेगा, दूर भेजेगा तो जितना दूर भेजेगा उतना ही यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर बीच में से इन दोनों को हटा दो है ना, इन दोनों को हटा दो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहने की वजह से फिर तो 11 प्रोटॉन जो थे वो अपने 11 के बराबर यहाँ फोर्स लगाएंगे, बट इनर शेल में है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इनर शेल होंगे अगर उनमें इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली ये इसको रिपेल करेंगे और इसके अट्रैक्शन फोर्स से इसको शील्ड करेंगे, बचाएंगे, है ना। तो इस इफेक्ट को हम यहाँ क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड ई एफ एफ है ना, जेड इफेक्ट बोलते हैं इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, मैंने कहा ना जेड इफेक्टिव समझने से पहले आपको न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, एस क्या होता है, आप वो समझ चुके हो। तो अब आप देखो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस एस। जेड माइनस एस का मतलब यानी न्यूक्लियर चार्ज में से जो भी शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है उसको हटा दो,
तो कुछ ना कुछ जो आपके अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको आप क्या कहोगे, जेड इफेक्टिव। जैसे यहाँ पर मैंने बात करी थी 11, अब ये 11 इन अंदर वाले हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन पर तो 11 के बराबर लगा रहे हैं, बट बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, उसमें 11 के बराबर नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि बीच में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। सपोज न्यूक्लियर चार्ज आपका जेड यानी 11 प्रोटोन है, तो 11 हो जाएगा माइनस इन दो इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन हो रहा है, तो उसका सपोज शील्डिंग इफेक्ट कितना है, 2 मान लिया है ना, 2 मान लिया। तो अब 11 में से है ना, यानी न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बचा लेंगे, कोई अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, ऐसा नहीं होगा, लगेगा बट कम लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट रिपेल कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो सपोज 2 किया, तो 11 माइनस 2 करने के बाद ये जो 9 आया है, ये 9 उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इनका अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन को यहाँ हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड इफेक्ट। अगर इन तीन टर्म में, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो एक बार कमेंट कर दो। उसके बाद ये तो समझने की बात हुई, इनको मैंने कहा था ना निकालना भी सीखेंगे किसी के लिए जेड इफेक्ट, तो ज़रूरत किसकी है, जेड और एस की। जेड तो आपको सिंपल पता चल जाएगा, कोई भी एटम उसका एटॉमिक नंबर, बट ये एस निकालना हम सीखेंगे, एस निकालना सीखेंगे तो जेड इफेक्टिव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाए, फिर यहाँ से हम कुछ रूल है ये एस निकालने के, वो रूल सीखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उनसे आप जेड इफेक्ट निकालना सीखोगे। कमेंट कर दो एक बार, नहीं तो रूल्स की तरफ चलते आगे। हाँ, यहाँ पर केवल आपको S निकालना आना चाहिए, S निकालना आ जाएगा तो Z इफेक्टिव आराम से निकाल सकते हो किसी का भी, ठीक है। S निकालने के लिए जो रूल दिए गए थे वो स्लेटर साइंटिस्ट ने दिए थे, है ना, स्लेटर, गिवन बाय स्लेटर, इन्होंने कुछ रूल्स दिए, वो रूल्स फॉलो करोगे तो Z इफेक्टिव यानी S निकालोगे और उसके साथ साथ Z इफेक्टिव निकालना भी सीखोगे, ठीक है। क्या रूल है, इन रूल्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। कैसे 2 पार्ट्स? किसी इलेक्ट्रॉन के रहना, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट निकालना है अदर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अदर इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो वो अदर इलेक्ट्रॉन का किसी जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको शील्डिंग इफेक्ट एस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ रूल हैं। उन रूल्स को मैं 2 टाइप में डिवाइड करने वाला हूँ। जिस भी इलेक्ट्रॉन पर आपको है ना क्या निकालना है, शील्डिंग इफेक्ट निकालना है अदर इलेक्ट्रॉन का, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका S या P ऑर्बिट का हुआ है ना, S या P सबशेल का हुआ, तो उसके लिए कुछ अलग रूल लिखूंगा। और जिस पर निकालना है अगर वो D या F में से किसी का हुआ, तो उसके लिए कुछ अलग रूल, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, S और P के लिए अलग, D और F के लिए अलग अलग होंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रूल्स में, है ना, जो S और P के लिए है वही, और D और F के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो रूल्स जब लिखेंगे जब पता चल जाएगा, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट रूल है मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक तो किसी का भी आपको सबसे पहले यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो सबसे पहले उस एटम का ना, जिस एटम में आप इलेक्ट्रॉन की बात करिए कि भाई मुझे इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो उस एटम का सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, इसके बिना आप निकाल नहीं सकोगे। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नंबर टू पर, अभी केवल रूल समझने पर ध्यान देना, एग्जाम्पल में ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको, है ना। नंबर टू रूल क्या कहता है कि जिस इलेक्ट्रॉन पर आपको शील्डिंग इफेक्ट निकालना है ना, क्या निकालना है, शील्डिंग इफेक्ट जिस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, अगर वो एस और पी के लिए, अच्छा इसको है ना, पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसके लिए, या हेडिंग लगा देता हूँ एस एंड पी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एस एंड पी के लिए। ये पॉइंट तो कॉमन है किसी के लिए भी, चाहे डी एफ हो या एस पी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर टू, अगर एस और पी का वो इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या देखना है, जिस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट निकालना है वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पड़ा हुआ है, किसमें, जिस शेल में पड़ा हुआ है, क्या उसके अलावा उस शेल में और इलेक्ट्रॉन है या नहीं। सपोज जिस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है वो तीसरे शेल में है, अब तीसरे शेल में उस इलेक्ट्रॉन के अलावा और इलेक्ट्रॉन है या नहीं, अगर और अदर इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा, तो उन इलेक्ट्रॉनों का जिस पर निकालना चाह रहे हो उस पर शील्डिंग इफेक्ट, कुछ वैल्यूज हैं आपको लर्न रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी माइंड में, कि जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो उसका शेल पता करो किस शेल में है, अब उसी शेल में उसके अलावा और अदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, अगर है तो उनके लिए, है ना, यानी एक तरीके से सेम शेल, मैं लिख दूं, सेम शेल जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो उसी शेल में अदर इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए यहाँ पर S की जो वैल्यू होगी शील्डिंग इफेक्ट वो होगा 0.35, है ना, S की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड रूल अगर बात करें, क्या है, ये था सेकंड उसी के लिए, अब बात करूंगा उससे एक अंदर वाला, यानी तीसरे की बात कर रहे थे, अब तीसरे से एक अंदर कौन सा होगा, सेकंड वाला, यानी n माइनस वन लिख सकते हो, n इक्वल्स टू 3, तो ये, और 3 माइनस वन करोगे तो 2, एक अंदर वाला, तो एक अंदर वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट, पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ये, है ना, पर इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है, जितने होंगे बाद में उससे मल्टीप्लाई करा देना, तो अंदर वाले के लिए पर इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 0.85। ठीक है, इसके बाद नंबर फोर, n माइनस टू यानी उससे भी अंदर वाला, तो तीन में से दो जाएगा तो एक, है ना, उससे भी अंदर वाले के लिए पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो s की वैल्यू होगी वो 1.00 यानी 1 होगी। क्या है ये, पर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है। ये कुछ रूल थे s और p के लिए। ठीक है, तो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन एस या पी का है तो सिंपल, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जिस पर निकालना है पता करो किस शेल में, उस शेल में उसके अलावा अगर और हैं तो पर इलेक्ट्रॉन इतना होगा, उससे एक अंदर वाले के लिए पर इलेक्ट्रॉन इतना होगा और उससे एक और, हाँ अब इसके बाद कितने भी अंदर हो, है ना, एस और पी में सेम शेल वाले के लिए इतना, उससे जस्ट एक अंदर वाले के लिए इतना, उसके बाद अंदर कितने भी हो, है ना, यहाँ पर तो हम तीसरा मानकर चले थे तो फर्स्ट पर पहुँच गए, फर्स्ट के बाद तो होगा नहीं, बट फिफ्थ होता तो फिफ्थ के बाद पांचवे में अगर कोई है तो ये, फोर्थ में अगर कोई है तो ये, उसके बाद थर्ड के लिए, सेकेंड के लिए, फर्स्ट के लिए, अंदर अब कितने भी हैं उन सब के लिए कितना लेना है, 1.00 मतलब 1 लेना है पर इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू। ठीक है, ये था एस और पी के लिए। अब डी और एफ के लिए रूल यही चलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, रूल क्या है यहाँ पर डी और एफ के लिए, कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी आपको लिखना होगा, नंबर टू अगर सेम शेल में है ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में है और उसी शेल में उसके अलावा अगर और अदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके लिए कितना होगा, वही वैल्यू 0.35, सेम वाले के लिए हमेशा 0.35। चेंज कहाँ आएगा, यहाँ चेंज आएगा, वहाँ बात कर रहा था सेम के लिए तो 0.35, उससे एक अंदर जाओगे तो 0.85 और उसके बाद जितना अंदर जाओगे 1 चल रहा था, यहाँ पर आपको सेम वाले के लिए 0.35, अब इसके बाद आप कितना भी अंदर जाओ
मतलब वो 0.85 वाली जो टर्म है स्किप कर रहे हैं हम यहाँ से, यानी यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही अंदर एंटर करोगे ना, फिफ्थ है तो फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में, वन, कहीं पर भी अंदर अब आप कहीं पर भी जाओ, यानी एन माइनस वन और कहीं तक भी चलो, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, है ना, अंदर जितना जा रहे हो उन सब के लिए एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.00 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो डी और एफ के लिए बीच वाली जो रूल था वो स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये बस इतने से रूल थे एस कैलकुलेट करने के लिए। एस मिलेगा तो जेड इफेक्टिव आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इजी है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। केवल उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी छोटी सी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो जेड इफेक्टिव का सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हो, हम जानते हैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस, ठीक है, जेड माइनस एस हो जाएगा। अच्छा, जेड कितना होगा यहाँ पर, मैंने कहा था जो भी उसका एटॉमिक नंबर है वही जेड होगा, सोडियम की बात चल रही है, 11, ये हो गया 11, ठीक है। एस, एस कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, वो जो भी एटम दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो कहीं साइड में, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं सोडियम 1s2, 11 पर है इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, कल निकालना सीखा था। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको ये ही नज़र आ रहा होगा, है ना। अब इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर नज़र मारी तो पता चला ये इलेक्ट्रॉन किसका है, थर्ड शेल में एस सब शेल का है। क्या पता चला ये किसका है, एस का है, एस का है, इसका मतलब डी एफ को भूल जाओ, केवल एस पी वाले रूल पर ध्यान देना है, एस है। अब रूल नंबर पहला तो आपने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड जो था आपका, मैंने कहा था जिस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है उसका शेल कौन सा है, तीसरा। क्या तीसरे शेल में इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा और अदर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्या, अगर बच रहे होते तो ज़रूर लिखते, बट है ही नहीं, तीसरा है, तीसरे में केवल एक ही है, उस पर तो हम निकाल ही रहे, मैंने कहा था इसके अलावा बच रहे हैं क्या उनके लिए, है ही नहीं, तो वो रूल वहाँ यहाँ काम आएगा नहीं। अब आगे रूल नंबर थर्ड की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने कहा था उससे एक अंदर वाले के लिए, तो तीसरा है, तीसरे से अंदर कौन सा आएगा, दूसरा। दूसरे वाले को आप देखोगे तो दूसरे में आपको ये पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम शेल की बात कर रहे हैं, सबसे अलावा हम अंदर बात नहीं करेंगे, अंदर केवल हम शेल की बात करेंगे, दूसरा शेल है। दूसरे शेल को पूरे को देखोगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 यहाँ और 2 यहाँ, यानी दूसरे में टोटल कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पर इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था 0.85 थी अंदर वाले के लिए, एस और पी की जब बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने हैं अंदर, 8 इंटू पर के लिए कितना था, 0.85, ठीक है, प्लस। अब इसके और अंदर आप जा सकते हो अभी, है ना, दूसरे से एक और अंदर जाओगे तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और उससे अंदर वाले के लिए पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखा था, 1 लिखा था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 और पर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल कैलकुलेट कर देख लेना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 8 5 = 40, 8 8 = 64 और 4, है ना, 6.80 + 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 8.80, ठीक है। एस मिल गया, अब इजीली इसका जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर लो, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस एस, जेड कितना है 11 माइनस 8.80, इधर इसको आप माइनस करोगे तो आप देखोगे 2.20 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अच्छा, एक रूल शायद मिस हो गया है, क्योंकि वो एग्जांपल माइंड में आया, उस एग्जांपल में वो रूल ध्यान रखना पड़ता है। वैसे इतना कुछ खास नहीं है, बता देता हूँ ओरली।
आप देखोगे शील्डिंग इफेक्ट आपने देखा तो वो किन इलेक्ट्रॉनों का था, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे ना, जैसे सपोज थर्ड इलेक्ट्रॉन पर आपको निकालना है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन पर, तो उससे अंदर वाले उसको रिपेल करेंगे ना, तो शील्डिंग इफेक्ट हमेशा अंदर वाले का होता है, बाहर वाले का नहीं होगा। सपोज आप निकालना चाह रहे हो तीसरे शेल के लिए, अब उसके अंदर वाले तो शील्डिंग इफेक्ट देंगे, बट उसके बाहर वाला यानी तीसरे के बाहर कौन होगा, चौथा शेल होगा नंबर, है ना, फोर नंबर शेल होगा, वो फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले को रिपेल कभी नहीं करेंगे। थर्ड वाले फोर को करेंगे पर फोर वाले थर्ड के इलेक्ट्रॉनों को नहीं करेंगे। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमेशा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का होगा, बाहर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको आप छोड़ सकते हो। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर लास्ट, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम के लिए, आपको क्या करना है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है 10th इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नीशियम है और उसके 10th इलेक्ट्रॉन पर आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का आप लिखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 12 नंबर पर आता है ना, यहाँ लिख देता हूँ 12 नंबर पर, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो कि यहाँ पर बात किस पर कर रहा है, 10th इलेक्ट्रॉन, तो 10th इलेक्ट्रॉन तो यही होगा यहाँ पर, देखो ना, दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः, यानी 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस 2p में होगा, है ना। तो वो 10वां इलेक्ट्रॉन पर जब आपको निकालना है तो वो 10th इलेक्ट्रॉन इस 2p के अंदर पड़ा हुआ है, तो जिस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है पता चला वो किसका है, पी का है, पी का है, तो रूल्स आ रहे एस और पी वाले, ठीक है। अच्छा, मैंने वो जो रूल बताया था ना वो यहाँ काम आएगा, अंदर वाले का शील्डिंग इफेक्ट होगा बट इसके बाहर भी तो ये नज़र आ रहा है, इसको भूल जाओ क्योंकि इसका कोई शील्डिंग इफेक्ट ही नहीं होगा, तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें तो केवल अंदर वाले से मतलब है क्योंकि हमारा 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बाहर कितने भी हो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th इलेक्ट्रॉन पर आपको निकालना है। अच्छा, जेड की वैल्यू तो यहाँ से पहले ही आप डिसाइड कर लो, 12 नंबर पर आएगा, एस यहाँ से निकालेंगे, 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब मैंने कहा था जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो उसका शेल कौन सा है, 2p, सेकेंड शेल है। मैंने कहा था जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो उसके अलावा क्या उस शेल में और इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल सेकेंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और जिस पर निकाल रहे थे वो ये लास्ट यहाँ का टोटल 6 है ना, तो इसमें जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है हमको तो उस पर निकालना है, बट उसके अलावा इसमें कितने बच जाएंगे, 5, और दो कहाँ से यहाँ बचेंगे, 7, है ना, टोटल 8 है, और जो आखिरी, क्योंकि टोटल देखो 10वां है, दो तो यहाँ चले गए, बचे 8, 8 में से वो 10वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, बच गए कितने, 7। तो उसी शेल में उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच जाते उनका इस पर शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा, सेम वाले के लिए वैल्यू लिखाई थी ना 0.35, वो, और टोटल कितने हैं, 7, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन था ये, तो 7 इंटू ये करोगे, ये आपको मिलेगा 75 जो 35, और ये 2.45 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्लस अब इसके आपको अंदर जाना है, तो एस और पी में जब आप एक अंदर जाते हो तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 था, तो टोटल अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, 2 इंटू इसके लिए कितना था, 0.85, यहाँ इनकी वैल्यू लिख दो आप, ये आया था आपके पास 2.45, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे 5 2 10, और ये 1.70, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 7 और 4 11, और ये आपके पास हो जाएगा 4.15। तो ये हुआ इसका शील्डिंग इफेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट कैसे निकालोगे, जेड माइनस एस से, जेड कितना है 12, 12 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो 4.15, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.85। तो ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो, ईजी है, ठीक है। तो
आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आज के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, ताकि क्लास को स्टॉप कर सकें। बता दो एक बार, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। मंडे को मिलेंगे, इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।